तमाम बिरहा हमारे आवाज में, गायक राम आशीष यादव महुआ लेके आवाज में, आप लोगों ने सुना है बहुत मान सम्मान दुलार प्यार दिया है। ये बिरहा एक और मैं भेज रहा हूँ, आर भी म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रतनपुरा रोड, भीमपुरा नंबर 1, बलिया। प्रोपराइटर है सोनू विश्वकर्मा जी। पूरे पूर्वांचल में जिसके स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग होती है उसका जोड़ नहीं है। और अंशिका लाइफ केयर, डॉक्टर अखिलेश यादव MMD पब्लिक स्कूल के सामने एक हॉस्पिटल ऐसा है जो पूरे पूर्वांचल में, जिस हॉस्पिटल का बहुत नाम है। तो और ये बिरहा मैं फरमाइश पे छोड़ने जा रहा हूँ। राम सूरत यादव अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदार, ग्राम मदापुर, अहिरौरा मिर्जापुर के पावन धरती से, और ब्रिजेश मास्टर साहब रुद्रपुर अमिला मऊ के धरती से, जो बिरहा की विरासत को बचाते हैं। ये दोनों लोगों के फरमाइश पे ये बिरहा छोड़ रहा हूँ। इस बिरहे को हर कलाकार नहीं गा सकता है। बिरहा सुन रहे हमारे चैनल के म्यूजिक से, हम चाहेंगे कि बिरहा के जितने हमारे प्रेमी हैं हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें। आए भूमिका के लाइन में, के धन्य वीरों की धरती धरोहर रही, साक्षी बन कर के इतिहास जिसको पुकारे, आलाउ दल सवरू अलोरी गए, अर्जुन की नैया को दुर्गा लगाती किनारे, वंश जद वंश में कहीरा हुआ, जननी तो हरदम निहारे, लिखा है कवि ने, धरती पे लाखों लोग व्यास जी पैदा होते हैं, लाखों लोग रोज मरते हैं, लेकिन जमाना उसे याद करता है जो समाज के लिए कुछ करता है, देश के लिए कुछ करता है। ब्राह्म एक लाइन को वाली बकौन मास्टर, वह लाइन बजा दे लाइन कि अरे से बढ़िया बिरहा का भाव बा, कितनी अनमोल लाइन लिखा है कवि ने, कि गैरों के अरे गैरों के लिए जो भी यह जान गवाता है, अरे गरों के
भाव थाना आता है, ग्राम हमारे रियासत से जाना जाता है। यादव मोती जी के चार ललन राव भैले, प्रथम बेटा सदा फल जबकि जवनवा, माई के दूध पिके नाम सुगनवा, वंश जद वंश में अनमोल रतन, माई बरमाइन को जासी सवो झुका, माई बरमाइन को जासी सवो झुकाए है, 500 पाठी ले जा बलि को चढ़ाए है। उभाव थाना के अंतर्गत जिस गांव का नाम है अवाए, वही के रहे वाला मोती यादव मालिक चार बेटवा दिहलन। प्रथम बेटा का नाम सदाफल, दूसरा बेटा का नाम जंग बहादुर, तीसरे बेटे का नाम विश्वनाथ और चौथे बेटे का नाम दशरथ। प्रथम बेटा सदाफल जवानी के दहलीज पहलन हो पंचो, पहले के लोग बलिया चल जा ददरी के मेला नहाए पैदल, पुरनिया लोगन के साथे गई लाला सदाफल पहलवान ददरी के मेला करे, गंगा नहा के चलन तो पुरनियन से सवाल कहलन, कहो चाचा एगो बात बता देता, एगो बात सुनी ला, समाज बात के स्थापना के लिए रहलन, ओ माई ब्रह्माइन के तनी दर्शन करा देता लो। पुरनिया लोग ले गईलन सदाफल के दर्शन कैलन, मनौती मंगलन की माई इतना हमके बल दा कि गरीबन के मदद कर सकी, समाज में अपने नाम के रोशन कर सकी। लोग बतावे ला मनौती मान कैलन, 500 कुंवार पाठ ले जाके बलि चढ़ोले रहलन। धीरे धीरे पहलवानी के शौक जगल, पहलवानी में इतना जोर भइल पूरे पूर्वांचल में शोर भइल, पहलवानी के साथ साथ लाठी में भी बहुत बड़ पारंगत भइलन, कितना जोर भइल बिरहा में एक गीत लगल, कौन आशिक कहले रहल ब्यासी मोहब्बत में हार गई लहल, के दिल्ली देता है हो दिल्ली देता है, रो रो दुहाई रे किसी से कोई प्यार ना करे, इतना जोर भाई सदाफल पहलवान के 50-60 को चेलन के जोर करावे तो उनका लड़ल होके 20 किलो का लाठी लगावे, पूरे पूर्वांचल में नहीं शोर मच गया उत्तर प्रदेश बिहार में, लोरिक मर गईलन सेकंड लोरिक बलिया में फिर पैदा हो गईलन। भाव कभी दे थवन कि जेनी चले हाँ। जेनी चले दाफल सहेला निरजवानी से आवार परसे, मैं जवार का लोग जाके कहला मोती यादव से, का हो तोहार लड़का गाजीपुर आजमगढ़ देवरिया में गोरखपुर में बलिया के कोने कोने में चंदौली मिर्जापुर ले जाके कुश्ती लड़त हो, तनी लड़का के साधन बना दो, बाबुओं के शौक रहल घोड़ा खरीद दिलन,
का करे लगल कि घोड़ा पे चढ़ी के वीर आकर पहलवानी जोर हम सदा फलगी के ए पंच आज कितना बखानी तरथिया के जेकर हो रथिया के जेकर दुर्गा महारानी जवानी से लार बरसे इतना जोर भाई सदाफल पहलवान के पुरनिया बतावेलन के नगरा में वो बाबू साहब के हाथी रहल जवना हाथी के नाम रहल व्यास जी भकुआ हाथी। वो जब पगला जा तो पांच गो ऊंट लगे तब वो ना मान में आवे। पहलवान के लोग बुलावे ओकर पोछिया पकड़ के आप पैरवा ओकर गुड़वा पे लगा के अगर जान लगा के खींच दे तो शांत हो जाओ। यही तिनहरी गांव बहनी लोग बाजा ना बाजे दे गरीबन के दलितन के बैकवर्डन के बरात जा सदाफल पहलवान जाके सबके सबक सिखौलन और बाजा भी बजे लगल। धीरे धीरे समय बीतल हो पंचो तो तनी भी देशिया के लाइन आई नहीं कि दिहु भगत सरा आए बाबू सुनिला जी करिया हो आ ठाकुर बल्ली सिंह के लागल वही दीपन से झागरवा तो सगरी जवारी जाके वही सदाफल से गुहारी कैलसी आ घोड़वा पे चढ़ी चली दिहलनी जान। इस तरह डिहू भगत गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के बगल में वही जाकर रहे वाला बाबू बल्ली सिंह पूरा पूर्वांचल में उनके सन गिर रहे मारे वाला कोई ना रहा। वही तरह के रहे वाला दीपन चौधरी के दो बिगहा खेत बाबू बल्ली सिंह अपने इथू से जबरी जोतवा ले हलन। जब जोतवा ले हलन तो 22 गो पंचायत भइल फैसला नहीं भइल। 23वीं पंचायत में जवार को लोग गेलन सदाफल पहलवान देश की कोने कोने में तो हर नाम बागो गरीब पे फैसला ना करा सकेला। कला चला पंचायत में आई घोड़ा पर चढ़ गेलन तो का देखल कि एक और सेना सजल आए बाबू वीर ठाकुर नवन के आए कवर ठटी गईले हौ वीर तहिया लालू सिंह चरौआ अरे ठाकुर सेनापति भइले अरे एकवर रघु एकवर जदू खाना बनवा पहुंचलन सदाफल पहलवान इस तरह के फील्ड में देखलन कम से कम 5000 ठाकुर बिरादरी के लोग 5000 से कम नहीं अहिर दलित के लोग रहलन। जाके घोड़ा से उतर के गईलन कहलन बाबू बल्ली सिंह से हे मृदे पूर्वांचल में तुहार इतना नाम बा तुहरे सन गिर रहे मारे वाला कोई नहीं बा ए गरीब आदमी के खेत छोड़ दो। कहलो बाबू बल्ली सिंह से एक फैसला करावे को खे तो जैसे तो के अहिर वंश में लोरी कहत हवन वैसे हमरे यहाँ ठाकुर वंश में बाबू लालू सिंह के लोग आला कहलन। जाओ चौकी बैठल उनसे फैसला करा
गैलन पहलवान जाके कहलन बाबू लालू सिंह से हाथ जोड़ के गिरुआ महाजमींदार है और ये पंचायत के समाप्त कर दें, गरीब के खेत दिवा दें। तो बोल पड़े लालू सिंह उस दम, बोल पड़े लालू सिंह उस दम, पग पीछे नहीं हटाऊंगा। अरे बनते हो लोरी तो आज अलहाबन सबक सिखाऊंगा। कहलन बाबू बल्ली सिंह का रिश्तेदार है, लालू सिंह कहला खेत जोतवा लेला तो कोई माई का बेटा ऐसा पैदा नहीं बा कि दीपन का खेतवा फिर छोड़वा दे। आ तू अगर लोरिक बनत हुआ तो हम वाला है, ले गए अपने जमात के चल जा। तब शेर सदाफल बोल पड़े, शेर सदाफल बोल पड़े, अगर जंग हाथ छिड़ जाएगा अरे बोल अति दुर्गा बात नहीं कोई पीर गति को पाएगा। कहला सदाफल पहलवान की मान जा, नहीं तो हमार दुर्गा इशारा करत बा कि अजय नगर जंग छिड़ गई ले पंचायत में, तो या तो हम रह या तो तू रह। कहला लालू सिंह फैसलवे हो गई, कहला सुना फैसला हो जाई, लाठी तुहरा और हमरा बीच में चली, एक लाठी हम चलाई तुहरा पे, हमरा लाठी से सदाफल पहलवान गिर जेबा तो हमार लोग तो के धरती से उठे नहीं दिया। आ तोहरा लाठी से अगर हम गिर जाई तो कह दिया अपनी लोगन के धरती से हमको उठे न दिया। धीरे धीरे बात पानी पर चढ़ते चढ़ते पानी पर चढ़ गई लाठी, चली दोनों बहादुरन में। तब ये पंचायत के फैसला हुई, ते भैया जब दोनों तैयार भैला तो लालू सिंह कहे कि पहले लाठी हम मारब, सदाफल पहलवान कहे कि पहले लाठी हम चलाई। झगड़ा होके ले बात के पुरनिया कुल कहल रे भैया काहे ले झगड़ा करत हुआ, सिक्का फेंका जेकर नंबर आई लाठी चलाई, सिक्का फेंकल गई बाबू लालू सिंह के नंबर पहले आई। तो जब दोनों वीर चलन है समर में, तो जब दोनों वीर चलन तो जौन गरीब आदमी रहना कमजोर दिल का आदमी एगो बात कह के पंचायत से भागत हुआ बिरहा के शैली में। बहादुर लाठी उठौलन आ फील्ड में दोनों ओर का लोग दसो हजार लोग, एगो गिरोह एनी खड़ा बा पश्चिम माथे एगो पूरब माथे, फील्ड में चल रहा लाठी लेके। लालू सिंह के नंबर बाद चौलरिया लगल, कैसे मुन्ना बाबू लालू सिंह की बड़का लोरिक भइल हुआ तर है लाठी हमारा आड़ी ला तो के जानी। कहलो सदाफल पहलवान के अब तो पाले पर ले बा, चलाई रहुआ महाजमींदार है का भइल आ
लाठी मरलन बाबू लालू सिंह सदाफल पहलवान लठिया के आड़ी लेलन, रोक लेलन लाठी के तनी सा झुकलन, कहलो सदाफल पहलवान की अब हमार नंबर है, तोरा लाठी से तो नहीं गिर ली तनी हमार नंबर है के आड़ा, कहलो कि बड़का अगारी बरसे ले तोरी लाठी से चलावत नहीं देखी ली का भाई फील्ड में है भैया, तौल के लाठी मरलो सदाफल पहलवान बाबू लालू सिंह से लाठी ना अड़ाई, लाठी उनके टूट गई, सिर पे चोट लगल, जमीन पे गिर गई, दोनों ओर से मारा पीटी शुरू हो गई, जंग भैलोई मां जगदीशपुर के रहे वाला हमारे गांव के बगल के दलई चौधरी सदाफल पहलवान के वो मामा लगे बर्छी ले ले रहना खींच के बर्छी मार धलन बाबू लालू सिंह की पजरी में, खींचलन लाठी शरीर में फसले रह गए बाबू बर्छी, आज अब सुरमा के बर्छी लगल त काहे को जे नहिर चमार अठाकुर रुके को हुई, गांव खाली हो गए सब लोग छोड़ के भग गए, भाव थाना सूचना गई, एक गिलास पानी के लिए तड़प तड़प के बाबू लालू सिंह वही सरेआला फील्ड में मर गए, तो लिखे के परल कवि के किसानवे में मारल गईले लालू सिंह के जानवर, लालू सिंह के पहला गल मातमी बयार न होरा, लाश उठा के गई पोस्टमार्टम हुआ, 52 यादों पे मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस तलाशने लगी, कुछ लोग जाके अदालत में सरेंडर किए, कुछ लोगों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, सारी रियासतें एक हो गई इस मामले पर, सारे सामंतवाद के लोग एक हो गए, कोई मददगार नहीं था, का भाई 52 गो जवान कापे लागल जिलावा जवारन होरा, कोई मददगार नहीं मिला, लेकिन एक आदमी मददगार मिला, बहन मायावती जी के शासन काल में पुलिस महानिदेशक से रिटायर हुए रिजवान साहब वहां के रहने वाले, उन्हीं के बाबा थे, वो भी रियासत के बहुत बड़ी रियासत के मालिक थे, चाचा जी आओ ला जाके जामा नत कराऊ लनियर जामा नत कर सब देखू नवाबा सवारन होरा, बावनों यादों की
जमानत हो गई। आ जब जमानत हो गई पहलवान चले अल तो इनके रोज के काम रहल अपने घोड़ा का सिंगार पटार कई के 4 बजे 20 किलो का लाठी ले घोड़ा पर बैठे चले आवे बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन पे। वही जा 6-7 जोड़ा पान खा 10-20-50 लोगन से मिले फिर घरे चल जाओ। तब मर गई लन बाबू की जमानत से आ गई लोग। सारे सामंतियों ने मिलके एक पंचायत किया कैसे बदला लिया इस सरदाफल पहलवान से। तो गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के बगल में वो सुम्हा गांव बा वही जाकर हलत तुलसी पाड़े लोग कहे कि 1.25 महीना जाप तो के जो उन बता दे तो उन वृथा नहीं जा। उस जमाने में 500 रुपया लेकर के जाप किए तुलसी पाड़े। 1.25 महीना जाप करने के बाद सामंतियों से बतलाए सदाफल पहलवान को न तो कोई सामने से मार पाएगा न दाहिने से न बाएं से न आगे से न पीछे से। जब मारा जाएगा तो विश्वासघात से। तो एगो पंचायत कहलन के बदला कैसे लिया बिरहा में ठे गीत बखन बाबू देखा धुन पर सम्मानित कैलन हमारे मित्र हैं पूर्वांचल के आन बान शान है। 2-2 बार प्रमुख रहे अच्छे लाल प्रमुख जी बहुत बहुत प्रणाम बा। तन बिरहा का भाव सुनो का पंचायत में फैसला लेल कोनो जो हिरनी आवे बाजार लेबे के झुलनी का पानी उतार। सबके घर से अहिर बिरादरी में मेहरारू सियर में सवेरे एक बार दही दूध बेचे ले जाओ। यह तय कैल कि 25-50 गो भाड़ा को गुंडा बुलावा 10-20 गो अहिर मेहरारू उनके जब आबरू लुटा जाए बदलवे लिया जाए। ये बात पंचायत में तय कैल लेकिन आग की तरह फैल गई पूरा सियर विधानसभा में फैल गई। ओकर नतीजा का भेल कि सब ही के घर वहां को रस रूकी गई ले अरे दिलवा में सब ही के तहस जमई ले अब यादव बाल की सुन के बदलल विचार शेरे का बैरी भागल बसियार। यादव बाल की सुन के बदलल विचार शेरे का बैरी भाईल बासिया नाम कायम किया है गद्दारी में हो गद्दारी में हो गद्दारी में अरे कैले मीटिंग बरिया चरुआ की बारी में यह फैसला कैलन 10-20 गो अहिर बिरादरी के मेहरारू के आबरू लूट लिहल जाई। 3 दिन ले सियर विधानसभा में कोई के घर से दही दूध बिकाए ना गए। लोगन के जानकारी भइल 10-20-50 आदमी पहुंचल पहलवान के हम का हो गैला सरया में पंचायत करे पंचायत में मर्डर हो गई। एकर मतलब कि सबके घर का अहिर बिरादरी के चूल बुता जाओ
कहलन एकर मतलब आ तो भाड़ा पर गुंडा आये वो सीयर में 100-150 हुवन, डर से कोई के घर से बेटी बहिन दही दूध लेके ना जाते। कहला पहलवान एहू का इंतजाम कह देते, 10-20 को चेलन के बोलौलन और कैलन का बिरहा में गीत बदल गई। तरस बढ़िया ब्यासी राम प्रवेश बाबू बिरहा का फरज बा रमेश बाबू। अरे हरदी बट गई अहिरादन, अरे हरदी बट गई अहिरादन, अब जुटले पीर जुझार, अरे के कर माई दूध पिया, के कर माई दूध पिया वाला रोटी काल बाजार। सौ पहलवान का चेला आइलन और चेला जब आइलन कोनो बता दियलस है डीएवी स्कूल नहीं बने लहल बहुत बड़ गड्ढा रहल, वही में गुंडा बदमाश सिपल लहल पहलवान के फौज पहुंचल। कोई 10 लाठी पावल, कोई 5 लाठी पावल, कोई कहीं भागल केहू तो भाग गईला गुंडा। वही सीयर में आगे आगे पहलवान लाठी लेके चलन, पीछे पीछे उनके जवान लड़वैया चलत हुए ऐलान कैलन सीर में। का ऐलान कैलन? अरे भीड़ भइल भारी सी, अरे मच गई में हाहाकार, अरे कौनो लहिरिनी के छू दे, कौनो लहिरिनी के छू दे वही खून के। ऐलान कैलन पहलवान और ऐलान कैलन बाबू इस्टियर में पंचायत के लगो आ पूरा पूर्वांचल में पंचायत के पहलवान एगो प्रथा के तोड़ल। कौन प्रथा तोड़लन कि आज के बाद से कोई के घर से बहिन बेटी दही दूध बेचे ले ना जाई, जकरा दही दूध बेचे के बाद घर से मर्द लेके जाई। ई प्रथा के तोड़लन धीरे धीरे और समय बीतल। सामंती सोचलन कि कैसे मारा जाएगा तो कहले है ब्यासी कि दुनिया में जे केहू से नहीं के हारल वो राम प्रवेश बाबू अपने से हारल बा। एगो ससना बहादुरपुर के बगलिया में, अरे ससना बहादुरपुर गांव बा, वही बेलथरे रोड विधानसभा में वो पड़ेला, वही कर रहा बालकिशन यादव। सामंतियों ने उनको 1000 रुपये पर तय किया कि 1000 रुपया दिया तो आगे विश्वासघात कर दब। बीड़ा उठा लिया कि सदाफल पहलवान के साथ मैं विश्वासघात करूंगा। पहलवान का रोज का काम रहा 4 बजे अपने घोड़ा का सिंगार पटार करे आ घोड़ा पर बैठ के वही रेलवे स्टेशन पर चली आवे। जही आई प्लानिंग के जहलन मारे के पहलवान जब अपने घोड़ा का सिंगार पटार कैलन सोनू विश्वकर्मा जी घोड़ा दोनों गोड़ पे खड़ा हो गई, पहलवान की पीठ पर बर्दाश्त नहीं कैलस। दूसरी बेर चढ़लन पहलवान के बर्दाश्त नहीं कैलस, तीसरो बेर गिरा दिलस हो भैया। पहलवान घोड़ा के गाड़ी पछाड़ी बांध के कोड़ा से मारे लगलन, घोड़ा के आंख से जब आंसू चले लगल तो करे दिल के बात के लोरकी के बानगी में कभी लिख लड़ कि घोड़ावा रोवत बाटे ना, ये घोड़ावा रोवत बाटे ना, बेरावा हो साजी, हे सगवा छूट गई है ना, सगवा छूट गई है ना, आजुए रे माजी, हे सुरमा बुझत नहीं खाना, सुरमा बुझत नहीं खाना, बतिया हो घोड़ा, हे मरिया खाए हो लागल ना, मरिया खाए हो लागल ना,
गोसाया की रे घोड़ा, पहलवान घोड़ा के गाड़ी पछाड़ी बांध के बीसो खुड़ा मार दिया लग। झरझर झरझर घोड़ा के आंख से लोग बरसे लगल। कल ना जेबे मत जो बहुत दूर सियर नहीं बा लाठी कान्ही पुलेलन है। चलन हवाए से जब सियर के बाबू गांव से जो ही बाहर गेलन, तनी सा पुरन की लुड़की एकदम चरवाहन वाली लुड़की है। किए भैया अरे घोड़ावा के छोड़ी के जहिया चल दिया हो, पहलवान भाई गांव से भरे गैलन हो भैया। पहलवान के आगे से सियार दिनवे में बोलत भागत जात है। सोचलो पहलवान दुआर पर घोड़ा घात गैलस और रास्ता में साला दिनही में सियार बोलत बा। खैर अपने जोर जवानी पे दुर्गा महारानी पे इतना भरोसा रहल कि परवाह ना कैले सियार के बोला के। जो ही सियार रेलवे स्टेशन पे एलन, पहले से एक आदमी मौजूद था। कौन था? कि अइले सियारिया में बीरबाला करिया रे, बालक सुन कैले नामस वही बाल की सुन यादव रहलन जाक पैर छुअलन पहलवान के। पहलवान पूछे लगल काका कैसे होन माई कैसे है बेटा, का हाल चाल बा गांव नगर के? सब ठीक बा हो चाचा। कला मिठाई खेबे बचवा। कला नाए चाचा हम चाहिए कि कबो जिंदगी में तोहरो सेवा कर देती। पहलवान हंसे लगल रे पागल हमार सेवा का कर चाहत हुआ। कला चाहते कि चाचा तो के वो पान खिया दे। देख पान को बहुत शौकीन रह पहलवान। कला जा पा रही ईशा बात पान ले बा। एगो बनिया के घर में सामंती बैठल हलन, बहुत तगड़ा जहर मंगाया गया था जौना के पान के बीड़ा में डाल करके बाल के सुन के दे दिया। लेक पान दिलन पहलवान के का भल पनवा में जहरी खी यौलस मुदई आखी अखिया से वह जहर बाबू उनको अपने आगोश में ले लिया एक आधा मिनट के अंदर। पहलवान के आंख से अंधेरा छाने लगा। जिला परिषद का जो आज डाक बंगला है वो पहले गिट्टी के रोड रहल खड़िंजा। उठलन पहलवान लाठी लेके गैलन खनता रहल। कान्ही लाठी पर लगा के इशारा करके बैठ के पेशाब करे लगलन। बाल के सुन जा के दुश्मनन से बतौलन कि हमने अपना काम कर दिया, हमारा पैसा दे दीजिए। कहला सामंती की अगर तू काम कर दिल होता तो सदाफल पहलवान बैठ के पेशाब नहीं करता। अगर जहर खिया दिल होगा तो जा पहला लाठी तू मारा मान जल जाएगी कि जहर खियोले हो। पैसे के लोभ में बाल के सुन का कैलन है पिछवा से लाठी आचा लवलस मुदाई आचा कैले तब करुणा पुकार बैठल पहलवान के पीछे से बाल के सुन यादव गर्दन पर लाठी मरलन हो पंचो। एक तो जहर बहन गया था शरीर में कोई खंता में पहलवान गिर गेलन। जब उतान गिरलन अपने सामने बाल की सुन के देखलन पहलवान के आंख से झरझर झरझर आंसू चलने लगा। समझ गए पहलवान की हमारे दुश्मनों से मिल गया है। कलन तूने बड़ा अनर्थ किया,
बड़ा अनर्थ किया मेरी नैया को मझधार में, गरीबों की नैया को मझधार में तूने डुबा दिया। आंख से आंसू बहुत बा पहलवान के, एगो सवाल कैलन है, का सवाल कैलन? यह सवाल कैलन है कि कौन करना भैया अब भैला मुदैया हो, काई बिगड़ली हम तो हारी हो। अरे पागल तुझे पैसा चाहिए हमसे ले लिया होता। बाहर बाल के सुन बेटा बा, का कलन है रमेश बाबू कि पैसा के खातिर हम क्या अरे जहर खिया। इतने भाई बाल के सुन के समझावत हवन तौले 100-150 की संख्या में बदमाश अलन बाबू और पहलवान गिरल पहलवान के शरीर में बर्छी भाला मारे लगलन। दुश्मन के बर्छी भाला पहलवान के शरीर में चुभत बा, लेकिन दुश्मनों से कुछ नहीं कहे पहलवान। तब भी एक बात कहते हैं बाल के सुन यादव से, क्या कहते हैं अलहक लाइन में, कहलन बेटा तेरा दोस्त नहीं है। राम राघव समरिया अरे धोखवा के कैले अरे पाली के बधनवा के जाने सना सा। अब सुतला मुरा मेरे मर जाने के बाद मेरी शरीर को हाथ मत लगाना, अपने खानदान को तूने सात पुश्त नीचे गाड़ दिया। तौले का भैल अब तौले माला गाड़ी आई सी अंदर में नावा।
पहलवान के मारत रलन बरसी वाला वो इस समय बिल्थरा रोड में ट्रेन आयल मालगाड़ी रुकल गार्ड और ड्राइवर अपने आंखों से देख रहे थे मारते हुए। पहलवान के मारे वाला में मुकदमा लिखाइल बाल किशन के ऊपर वही गार्ड और ड्राइवर दोनों गवाह बने। भज्जू यादव भाग के खबर दिलन कई गांव, जब तक लोग लाठी भारला लेके आवे तो ले दुश्मन मार के फरार हो गए थे। लोग पुरनिया बतावे लन पहलवान का लाश उठा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लावल गई जहां जय दुर्गा कह के अंतिम सांस ले ली। गए बलिया, पोस्टमार्टम हुआ, 5 किलो का कलेजा हुआ था सदाफल पहलवान का। लाश आई बलिया से तुरती पार श्मशान घाट पे, पूरे पूर्वांचल में मातम छा गया, लाखों लाखों की भीड़ लगी और चिता सजाया गया। चिते पर जब लाश रखी गई, उनका बड़ा बेटा बब्बन यादव जब मुखाग्नि दिया है उस समय को बात कभी लिख लेना वहां। शमशान घाट पे दाह संस्कार हुआ। समय कितनी बीतल, जहिया से पहलवान मर गई लन व्यास जी, वो घोड़ा उनका कितना दिन जियल, इंसान से बढ़िया जानवर हुआ करते हैं। कि दुई माह रात दिन घोड़ावा के आए पंचो बरसे नगनवा, मात्र 6 महीने के अंदर अदालत ने फैसला सुनाया, बाल किशन को फांसी की सजा हुई। 24 घंटे पहले बाल किशन से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। काल कोठरी में बैठे बाल किशन ने कहा कि हम अपने पूरे खानदान के लोगों से मिलना चाहता। पूरे खानदान के लोग ससना बहादुरपुर से बुला के गए। काल कोठरी से रोते हुए आए बाल किशन, आंख में आंसू लेकर के अपने पूरे खानदान के लोगों से कहा कि हमने पैसे के लालच में जो गद्दारी किया है, अपने कुल खानदान से उसकी सजा तो पाने जा रहा हूं, इसीलिए बुलाया हूं अपने खानदान को। कभी तू लोग इतनी बड़ी गद्दारी तू लोग मत करना, अपने कुल खानदान से इस गद्दारी मत करना, कभी इसीलिए बुलाया हूं। 7 पुस्तक तक मैंने अपने खानदान को गाड़ दिया, तो लोग उबार लेना, समय रहते हुए उबार लेना। तो आज तो मान लीजिए कि समय दूसरा है, लेकिन ये लड़ाई कब यहां की खत्म हुई कि अंचल सयान भैले असुन ले जब जी करिया, पूरे पूर्वांचल में दो ही नेता हुए, एक शारदानंद अंचल जो गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने बीमारी से हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़ के चल बसे, और एक स्वर्गीय कपिल देव यादव जो सामंतियों से लड़ते लड़ते मझवारा के धरती पर गरीबों के लिए शहीद हो गया। तो लिखलन कवि जी,
तो आखिरी लाइन में कहना है कि जय जखाड़ स्वामी गुरुदत्तू की लहराती फुलवारी त्रिशि स्नेही श्री नारायण संगमिता अरे समर में के कर जाई जनवा हे भैया समर में के कर जाई जनवा